दोस्तों, एक मेरे मित्र ने डिमांड किया था कि पाइवट टेबल क्या होता है। तो पाइवट टेबल मैं देख रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होता है। प्रयास मेरा रहेगा कि आपको इसी समझ में आ जाए। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, सेल्समैन का नाम दिया हुआ है, देख रहे हैं, सेल्समैन राजू अमित फलाना जो भी है, नाम बहुत सारे हैं। फिर आइटम नेम है और QTY मतलब क्वान्टिटी 2021 में कितनी सेल हुई और क्वान्टिटी 2022 में कितनी सेल हुई, ये हमारे पास डेटा दिया गया है। अब पाइवट टेबल का जो काम होता है, पाइवट टेबल का काम होता है कि चीज़ें आपको इजीली एनालाइज हो जाएं, चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएं। वो कैसे होता है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंसर्ट में आप आइए, इंसर्ट में देखिए पाइवट टेबल ये बना हुआ है, ये पाइवट टेबल आ गया। तो कहीं बीच में जब क्लिक रहेगा तो अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अब इसमें नीचे देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रहा है न्यू वर्कशीट और एक आ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर न्यू वर्कशीट करेंगे तो ये चीज़ नए वर्कशीट पर चला जाएगा, एग्जिस्टिंग करेंगे तो इसी में ही बगल में आ जाएगा। चलिए मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको बगल में करके। अब न्यू करना है तो नया सीट यहाँ से आप टू करके ले लीजिए तो भी हो जाएगा। मैं इसी सीट पे दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ये बन के आ गया। अब करना क्या आपको है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें सेल्समैन का नाम और ये क्वांटिटी दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल्समैन का नाम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे क्वांटिटी। तो ये पता लग जाएगा कि हमारा 2021 में किस सेल्समैन ने कितनी क्वांटिटी सेल की, वो टोटल होके आ जाएगा। अगर बीच में कहीं इसमें दिख रहा है आपको राजू दो जगह होता तो राजू दो जगह टोटल होके आ जाता। अब ये अगर हम चाह रहे हैं कि 22 का भी दिख जाए तो क्लिक करेंगे बगल में, 22 का भी दिख जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ कॉलम इसको, ये इस तरीके से। नया सीट पे होता तो आपको दिखाई पड़ता, ये आप देख रहे हैं ये 22 का आ गया इसका। अब इसके बाद अगर देखना है कि हमारा आइटम वाइज देखना है तो आइटम पर क्लिक कर देंगे हम, सेल्समैन हटा के आइटम पे लगा देंगे तो आइटम वाइज आ जाएगा कि टोटल कीबोर्ड कितना पीस बिका, टोटल मॉनिटर कितना पीस बिका और टोटल माउस कितना पीस बिका, इस तरीके से आ जाएगा। तो सेल्समैन के हिसाब से भी आपने देखा कि सेल्समैन अगर कीबोर्ड देखा जाए तो कीबोर्ड तीन लोगों ने बेचा, अमित, दिनेश और मिंटू ने। मॉनिटर केवल सुमित ने बेचा 450 पीस। माउस इतने लोगों ने बेचा, टोटल ये आपका आ गया। तो जो पाइवट टेबल होता है ये किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए होता है कि हम सेपरेट सेपरेट एनालाइज कर सकें। अगर इसमें आप थोड़ी देर के लिए देखें, अगर इसमें आप यूज़ कर लें स्लाइसर, तो स्लाइसर आपका और इजी काम कर देगा। चलिए हम स्लाइसर पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है आपका पाइवट टेबल और स्लाइसर का क्या यूज़ है, कैसे स्लाइसर में और इजीली हम इसको देख सकते हैं। आइए उसको देखने का प्रयास करते हैं हम। चलिए स्लाइसर में आते हैं। स्लाइसर में क्या करना है आपको, स्लाइसर में आपको करना सिंपल ये है कि आपका जो डेटा है इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए टेबल के फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको सिंपल कहीं क्लिक करके कंट्रोल टी कर देना है। कंट्रोल टी करने के बाद आपका ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं कंट्रोल टी कर दिया तो ये अपने आप इतना एरिया इसने अक्वायर कर लिया, घेर लिया। अब यहाँ पर हम ओके कर देंगे, ये हमारा टेबल के फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें अगर हम स्लाइसर यूज़ कर देते हैं, देखिए ऊपर स्लाइसर आपको दिख रहा होगा, तो स्लाइसर में हम अपने हिसाब से बहुत क्विक तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। पाइवट टेबल भी एनालिसिस का एक तरीका है लेकिन स्लाइसर के माध्यम से हम और आसानी से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पूछेगा कि स्लाइसर किस किस चीज़ का बनाना है। मैं मान लिया दो चीज़ का ले लेता हूँ, सेल्समैन का और आइटम का, दो स्लाइसर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ओके करूँगा। ये देखिए दो स्लाइसर बन के आ गए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा यहाँ से, ऐसे ही आप कर सकते हैं इजिली। और इसको मैं खिसका देता हूँ बगल में, और इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, इसको भी खिसका सकते हैं बगल में इस तरीके से। देखिए अब देखिएगा अभी स्लाइसर का कमाल। अब इसमें जैसे आपको देखना है कि अमित का क्या हिसाब किताब है, तो आपने क्लिक किया, देखिए अमित का आ गया, वेरी गुड। दिनेश का आ गया, मिंटू का, राजू का, एक एक का सबका दिख रहा है आपका। राजू का दो तरीके से था, उन्होंने राजू ने दो काम किया था। रिंकू का यह आ गया, सुमित का आ गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइसर हम ना यूज़ करें, ये स्लाइसर यूज़ करें, हम आइटम वाइज देखना चाहें, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए रेड लगा हुआ है यहाँ पे, फिल्टर टाइप का है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए तो बंद हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर आपको देखना है कि मॉनिटर टोटल कितना सेल हुआ तो ये मॉनिटर भी सेल हो जाएगा, दिख जाएगा। कीबोर्ड कितना हुआ ये भी दिख जाएगा आपको, माउस कितना है ये भी दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, दोनों के कॉम्बिनेशन में भी, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सारा आ जाए। जैसे अमित का देखना है कि अमित ने कितना कीबोर्ड किया, एक माउस कितना किया, कुछ नहीं किया अमित ने,
ये आपका आ गया। सुमित ने कितना किया? सुमित ने मॉनिटर एक किया। सुमित ने कीबोर्ड कितना किया? कुछ नहीं किया। माउस, तो इस तरीके से आप एक साथ दोनों स्लाइसर चला सकते हैं और एक साथ अलग अलग स्लाइसर भी चला सकते हैं, सिंगल सिंगल भी। अमित का देखिए, राजू का देखिए, राजू ने दो काम किया है, माउस बेचा है दोनों में, कीबोर्ड नथिंग, माउस दो। तो इस तरीके से आप माउस वाइज मतलब आइटम वाइज भी देख सकते हैं। अब यहां से स्लाइसर हम इसको हटा देते हैं तो सारा आइटम आ जाएगा, ये देख रहे हैं। तो अब यहां से हम देखेंगे मॉनिटर, मॉनिटर एक जगह, कीबोर्ड तीन जगह, तीन लोगों ने सेल किया है कीबोर्ड, माउस चार लोगों ने सेल किया है। तो स्लाइसर के माध्यम से हम देख सकते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं, दोनों स्लाइसर को एक साथ हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पिवट टेबल और स्लाइसर मैंने कोशिश किया है कि दोनों समझा दूँ, एक तरीके से दोनों एक साथ समझाने का मैंने प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इजी स्टेप में मैंने बताया है, कोई भी इसमें मैंने कठिनाई पैदा करने की कोशिश नहीं की है। आपको अगर कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, गुड बाय।